आपके साथ अलका। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठवले ने 2021 की जनगणना को जातीय आधार पर करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को सरकारी योजनाओं का ज्यादा लाभ मिलेगा। वहीं रामदास अठवले ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एनडीए में शामिल होने का ऑफर दिया। केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी को अंतरजातीय विवाह करने की नसीहत देते हुए कहा कि अगर वह अंतरजातीय विवाह करते हैं तो उनकी सरकार राहुल गांधी को 2.5 लाख रुपए देगी। देने वाली है तो तीन कानून जो मोदी सरकार जी ने बनाए है, एक कानून लोकसभा में राज्यसभा में पास हुए है, सभी एमपी ने इसका सपोर्ट किया है और बहुमत से कानून पास हो चुके हैं। तो किसानों की कानून पीछे लेने की मांग ना जायज है, ये टेक्निकली डिफिकल्ट निर्माण करने वाली है, लोकतंत्र को धोखे में लाने वाली है, संविधान को चैलेंज देने वाली है। तो कोई भी कानून जब बनता है तो उसमें संशोधन होता है, जिस मुद्दे पर उनको डाउट है कि वह हमारी। वहीं बोकारो की सिटी थाना क्षेत्र में डिप्टी कमांडेंट के घर आग लग गई है। बताया जा रहा है कि आग लगने के कारण लाखों के सामान जलकर राख हो गए हैं। आग लगने की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। आपको बता दें कि आग लगने के दौरान डिप्टी कमांडेंट अपने घर में मौजूद नहीं थे। शॉर्ट सर्किट हो गया था, तो जब उठे तो देख रहे हैं कि बोर्ड से आग टपक रहा है। हटाने का कोशिश की है लेकिन कुछ हुआ नहीं। दो दो सोफा सेट था, एलसीडी था, एसी, फ्रिज, ये सब में मतलब बचाने के लिए तो कोशिश की है, गेट खोले लेकिन। चाईबासा के हाट गमड़िया थाना क्षेत्र में पुलिस ने डीजल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। दरअसल रात्रि गश्ती के दौरान हाट गमड़िया थाना के मुकेश हेम्ब्रेम और अमलेश कुमार ने डीजल चोरी करने आए 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार युवकों के पास से गैलन, रिंच, कटर मशीन इत्यादि सामान बरामद हुए हैं। जमशेदपुर में मरीन ड्राइव में चलती स्कॉर्पियो में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो में सेंट्रल लॉक होने की वजह से दरवाजा नहीं खुल पाया, जिसके कारण स्कॉर्पियो चालक की झुलसकर मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर पहुंच गई। वहीं मृत युवक की पहचान अजय पाल के रूप में की गई है। अरे ये सब अभी वैसे खुलेगा? अचानक से आग लग गई, एक ड्राइवर था उसमें और ड्राइवर लॉक सिस्टम खोल नहीं पाया, आग ज़्यादा लग गया खोल नहीं पाया, इसके कारण आग के कारण मृत्यु हो गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुँच गई। आगे वहीं चाईबासा में भाकपा माओवादी दिलखुश उर्फ राजेश को पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में डीएसपी सुधीर कुमार ने कहा कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए यह सफलता हासिल की है। वहीं आपको बता दें कि माओवादी सदस्य के खिलाफ गोइलकेरा और सोनुवा में कई मामले दर्ज हैं। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि चाईबासा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चाईबासा में भाकपा माओवादी दिलखुश उर्फ राजेश को पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर गिरफ्तार कर लिया है। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि चाईबासा में भाकपा माओवादी दिलखुश उर्फ राजेश को पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर गिरफ्तार कर लिया है। वहीं झारखंड के लोहरदगा में नक्सलियों की आईईडी ब्लास्ट में गंभीर रूप से घायल कांस्टेबल दिलेश्वर प्रसाद शहीद हो गए, जिसके बाद शहीद दिलेश्वर प्रसाद को अंतिम सलामी दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, डीजीपी एमवी राव, पूर्व डीजीपी एमवी राव के साथ ही अन्य कई वरीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान डीजीपी नीरज सिन्हा ने शहीद के परिवार को 45 लाख का बीमा और परिवार के लिए एक सदस्य को नौकरी देने की बात कही है।
तो आपको एक बार फिर से बता दें कि कांस्टेबल दिलेश्वर प्रसाद शहीद हो गए हैं, आईईडी ब्लास्ट में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। झारखंड के जमशेदपुर में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अचानक जूनियर डॉक्टर्स के हॉस्टल का निरीक्षण करने पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने हॉस्टल में उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री बिना काफिले और सुरक्षा बलों की मौजूदगी में ही हॉस्टल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों की समस्याओं को सुनने के बाद हॉस्टल प्रशासन को कई आवश्यक निर्देश भी दिए। खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे नीसा न्यूज के साथ। नमस्कार।